पहला प्रश्न आप लोग के सामने में है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है। इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 8। द नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 18 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसको कैसे बनाएंगे? तो क्या कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है। तो माना कि इकाई का अंक बराबर x, तो दाही का अंक बराबर 8 माइनस एक्स। कैसे? क्योंकि दोनों अंकों का योगफल 8 दिया हुआ है, तो इकाई का अंक हम x माने तो दाही का अंक कितना हो जाएगा 8 माइनस एक्स। मूल संख्या कैसे निकलेगा? तो मूल संख्या निकलेगा दाही के अंक को 10 से गुना करते हैं और प्लस इकाई के अंक को 1 से गुना करते हैं तो मूल संख्या प्राप्त हो जाता है। क्या बताए कि दाही के अंक को 10 से गुना करते हैं, इकाई के अंक को 1 से गुना करते हैं, फिर दोनों को प्लस करते हैं तो मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 10 गुना 8 करेंगे, 10 8 जा 80 माइनस 10 गुना x कर देंगे 10x प्लस x इंटू 1 करेंगे x 80 माइनस 10x प्लस 1x तो माइनस 9x। तो मूल संख्या आपका हो गया 80 माइनस 9x। इसके बाद क्या करें? अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या। तो क्या होता है? इकाई वाला दाही के स्थान में आ जाता है और दाही वाला अंक इकाई के स्थान में आ जाता है। इकाई वाला को दाही में भेज देंगे तो 10 गुना एक्स प्लस 8 माइनस एक्स को एक्स की जगह में भेज देंगे तो 8 माइनस एक्स इंटू 1 10 इंटू एक्स कर देंगे 10x प्लस 8 माइनस एक्स इंटू 1 तो 8 माइनस एक्स तो 10x माइनस एक्स 9x प्लस 8। इसके बाद क्या कह रहा है? अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या। तो अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या प्रश्नानुसार अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या 9x प्लस 8 किसके बराबर जाता है? बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है तो मूल संख्या कितना है 80 माइनस 9x प्लस 18 अधिक हो जाता है प्लस 18 कर देंगे। क्या कर रहा है कि अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। इसके बाद इसको सरल कर देंगे तो 9x माइनस 9x को इधर कर देंगे तो प्लस 9x इक्वल टू 80 प्लस 18 प्लस 8 को इधर कर देंगे माइनस 8। 9x प्लस 9x कितना हो जाएगा बताइए? 18x 80 प्लस 18 कितना जाएगा 98 माइनस 8 तो 18x बराबर 98 में 8 माइनस कर देंगे 90 तो x बराबर कितना जाएगा 90 और 18 को दायां पक्ष में कर देंगे तो बाय हो जाएगा तो बाय 18 हो जाएगा।
18 पंचे 90 तो बराबर 5, तो x बराबर हो गया 5। अब क्या कह रहा है कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए, तो मूल संख्या दिया हुआ है 80-9x, मूल संख्या बराबर 80-9 इंटू एक्स का वैल्यू 5, 80-9 = 45, और 80 में 45 माइनस कर देंगे कितना होगा 35, तो वो मूल संख्या होगा 35। और 35 देखिए तो आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब दूसरा प्रश्न है आप लोगों के सामने में, 3 अंक की संख्या में सैकड़े का अंक दहाई के अंक का दोगुना है, जबकि इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है, साथ ही इसके अंकों का योग 18 है, संख्या ज्ञात कीजिए। इन ए 3 डिजिट नंबर द 100 डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट, व्हाइल द यूनिट डिजिट इज थ्राइस द 10th डिजिट, ऑल्सो सम ऑफ इट्स डिजिट इज 18, फाइंड द नंबर। इसको कैसे बनाएंगे, तो क्या कह रहा है कि सैकड़े का अंक दहाई के अंक का दोगुना है, तो माना कि दहाई का अंक बराबर x मान लेंगे, तो सैकड़े का अंक, सैकड़े का अंक कितना हो जाएगा, दहाई के अंक का दोगुना है तो x का दोगुना कितना हो जाएगा 2x हो गया। फिर देखिए क्या कर रहा है, इकाई अंक दहाई के अंक का 3 गुना है, इकाई का अंक क्या है, दहाई के अंक से 3 गुना है, तो x का 3 गुना कितना हो जाएगा 3x। मूल संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, मूल संख्या क्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्या करेंगे, सैकड़े के अंक को 100 से गुना करेंगे, तो 100 गुना 2x प्लस दहाई के अंक को 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना एक्स प्लस, और इकाई के अंक को 1 से गुना करेंगे तो 3x गुना 1, अब प्लस कर देंगे, 100 गुना 2x कर देंगे कितना देगा 200x प्लस 10 गुना x कर देंगे 10x प्लस 3x इंटू 1 कर देंगे तो 3x, तो 200x प्लस 10x प्लस 3x तो कितना हो गया 213x। तो मूल संख्या आपका 213x हुआ। अब क्या कह रहा है, साथ ही अंकों का योग 18 है, तो प्रश्न अनुसार सारे अंकों का योगफल जो है आपको 18 दिया हुआ है, तो सबको प्लस कर देंगे x प्लस 2x प्लस 3x, सारे अंकों को प्लस कर देंगे, अब बराबर कर देंगे 18 कर देंगे, इसके बाद सॉल्व कर देंगे, तो 1x प्लस 2x 3x प्लस 3x तो कितना हो गया 6x बराबर 18 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 18, और 6 को दाएं साइड में कर देंगे बाय 6 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 3। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि संख्या क्या होगा, तो मूल संख्या बराबर 213x, तो 213x बराबर 213 और x का वैल्यू पुट कर देंगे 3, तो 13 दिया 39 और 3 गुना 2 कर देंगे 3 गुना 6, तो मूल संख्या होगा 639। और 639 देखिए तो आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन